सभी किसान सभी साथियों को जय किसान भाई। सुबह की जय किसान। और साथी जुड़ जाएं, चर्चा शुरू करते हैं। काफ़ी भाइयों की ये डिमांड रहती है, मांग रहती है कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर कभी चर्चा की जाए। और एक मेरे खास मित्र हैं प्रकाश जी, उनकी एक डिमांड थी कि सोलर के ऊपर भी एक चर्चा की जाए। राम राम भाई सबको जय किसान, धन्यवाद जी सबको जय किसान। और साथी जुड़ जाएं, वीडियो को यार आगे बढ़ा दो ताकि और साथी जुड़ जाएंगे, तो फिर अपने चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जय किसान भाई सबको, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी भाई जुड़े हो, गुड मॉर्निंग भाई सबको, जय किसान भाई सबको, जय किसान। हालांकि समय तो थोड़ा ठीक लगा मेरे को, क्योंकि ठंड है, सारे आप लोग घर पे ही होंगे, खेत में खास काम भी नहीं है अभी इन दिनों में, तो कोई खेतों के अंदर बड़ा काम नहीं है। और लोग जुड़ जाएं, वीडियो शेयर कर दो भाई ताकि जुड़ जाएं लोग, और फिर अपने बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे किसी साथी को और जोड़ने की कोशिश करेंगे भाई, हरविंदर जी डेलवा को साथ जोड़ने की। जी साथियों, बहुत से लोग ये मानते हैं, सुरेंद्र गिल साहब, बहुत से साथी जुड़े हैं, धन्यवाद आप सबका। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, और खास करके जो शहरी लोग हैं वो लोग बार बार एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं। अगर मैं ऐसे कह दूं कि जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं उनको तकलीफ है कि किसानों के खेत में उत्पादन बहुत ज्यादा होने लग गया है। एक तो उनके दिमाग में ये बात है कि आप लोग ऑर्गेनिक खेती नहीं करते। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा कौन देगा, इस पे अपने चर्चा करेंगे। सरकार चाहे तो क्या किसान ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते? किसान को सुविधा दी जाए, ऑर्गेनिक खेती की सुविधा दी जाए, तो क्या किसान खेती नहीं करना चाहता? कौन चाहता है कि अपने बच्चों के लिए जो है जहर उगाया जाए? लेकिन ऑर्गेनिक खेती के नुकसान कितने हैं वो कोई नहीं सोचता। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा कौन दे वो सवाल कभी कोई नहीं करता। ये चीजें बहुत जरूरी है, चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने काफी बारीकी से देखा है, काफी लोगों को बड़ा बारीकी से मैं जानता हूं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और उनकी पीड़ा भी मैंने सुनी है, जो उनकी समस्याएं हैं वो भी मैंने बहुत सुनी है। अपने सारी कोशिश करेंगे आज चर्चा करने की। भाई हरविंदर डेलवा जी जुड़े नहीं अभी तक, अगर वो जुड़ गए तो उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। तब तक के लिए और आगे बढ़ा दें वीडियो को, और साथी जुड़ जाएं। ऑर्गेनिक वीट है भाई, 4 एकड़ में किसी को लेनी हो तो कॉन्टेक्ट करें। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, जो थे भी जुड़े हैं। नंबर दे दूंगा मेरे 9521499999। देखिए, ऑर्गेनिक खेती का बोल देना एक छोटी सी बात है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती को करना, हरविंदर भाई साहब आप रिक्वेस्ट भेज दो मेरे को, जुड़ गए हो आप तो। ऑर्गेनिक खेती को करना और करवाना सरकारों के हाथ में है। अभी आप हाल के दिनों में देख रहे हो कि यूरिया की बड़ी किल्लत चल रही है, तो आप क्या सोचते हो कि ये जो है यूरिया की जो किल्लत है ये क्यों है? ये कोई फैक्ट्रियां थोड़ी बंद हो गई है ना, एक नैनो यूरिया को प्रमोट किया जा रहा है। हरविंदर भाई साहब की रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से आ गई है, कोशिश करता हूं उनको ऐड करने की। तब तक और बढ़ा दें आगे साथियों आप वीडियो को, फिर अपने अरविंदर को भी साथ जोड़। जी जुड़ गए हैं जय किसान भाई साहब, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा माइक सेट कर लें आप। हाँ जी जय किसान जी, अब जय किसान जी, अब सही आ रही है आपकी आवाज, सही आ रही है। अब साथियों वीडियो को आगे बढ़ा दें, चर्चा थोड़ी सार्थक होने वाली है, आपके लिए भी हो सकता है जानकारी वर्धक हो। हरविंदर भाई साहब, लोगों का खास करके जो शहरी तबके के लोग हैं उनका मानना है कि किसानों को जो है ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती कर लेनी चाहिए, मैं भी कहता हूं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए साधन संसाधन है जो वो सरकारें उपलब्ध करवाएं। क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि अगर अपने सिर्फ गेहूं की बात करें, 1 बीघे की बात करते हैं अपने, अगर 1 बीघे के अंदर अपने ऑर्गेनिक गेहूं लगाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका औसत जो है 6 क्विंटल से लेके 7 क्विंटल निकलता है, और उसको खरीदने वाला बाद में कोई मिलता नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि जिस चीज का झाड़ कम निकलेगा, मान लो आपकी कणक का झाड़ जो है 6 क्विंटल 7 क्विंटल निकला, तो वैसे कणक का रेट है मान के चलिए आप लगभग 1900 रुपए 2000 रुपए रेट मान के चलिए आप,
तो वो सारी कणक ऊपरी होगी एमएसपी। आपकी एमएसपी। हाँ एमएसपी मान लो, चलो एमएसपी मान के चलो आप। तो मान के चलिए 6 क्विंटल कणक का रेट आप कितना मानते हो कि 12,000 की कणक होगी। वही जो दूसरी कणक है जो हम लोग रासायनिक खादें डाल के बीजते हैं, वो कणक 15 क्विंटल का आप औसत मान लो तो वो कणक ज्यादा होगी, 30,000 की कणक होगी। तो क्या एक तो ये रेट का बहुत डिफरेंस रहता है, दूसरा आपने अभी फोन पे भी चर्चा की थी कि इसका खरीदार नहीं मिलता कोई। बहुत से साथियों की शिकायत ये है, लोगों ने काले गेहूं की बहुत खेती करके देखी लेकिन इसका खरीदार ही नहीं मिलता कोई। इसके बारे में या तो सरकार कोई ऐसी एक गाइडलाइन बनाए या तो किसान को उसको रेट उस हिसाब से मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? बिल्कुल, ये मार्केटिंग किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे बड़ा सेक्टर है, तो ये सरकार के बिना नहीं चल सकता, और इसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं खेती में। और दूसरी बात ऑर्गेनिक की करें, तो ऑर्गेनिक करना हर कोई चाहता है, किसान भी भूला नहीं है ऑर्गेनिक। जिन लोगों को जहर के अंश से खतरा है, हम वो जहर से नहाते हैं, हम सबसे ज्यादा हम ही खाते हैं वो जहर, और जब हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसान को झेलना पड़ता है। लेकिन किसान अब ट्रैप हो चुका है, उसके बस का रोग नहीं रहा। ये तो बहुत कम किसान है जो कर भी रहे हैं, और लेकिन उनको मार्केटिंग में समस्याएं उनको भी आती हैं। जो बिक रहा है ना ऑर्गेनिक मार्केट में, थोड़ा बहुत जो कहीं बेचने में सफल हो रहे हैं, वो अपने लेवल पे ही, जिनके लिंक अच्छे हैं या कोई जिनका परिवार बड़े हैं, और वो एक आध आदमी उनका वो इस काम में ही हो सकता है मान लो। तो आजकल परिवार भी छोटे रह गए हैं, तो अपने संभव नहीं है कि अपने सभी फील्ड में संभाल सके अपनी खेती को। दूसरी तरफ सरकार ने ऐसी प्रशासनिक अड़चने भी पैदा कर रखी है, एक आदमी तो वो कागजी कार्रवाई में ही लगा रहता है घर के परिवार के काम धंधों में। तो मार्केटिंग करना खेती के प्रोडक्ट की, और खेती को करना, और वो भी ऑर्गेनिक खेती करना, जो एक श्रम साध्य काम है, और लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक खेती में। आप इसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लस इसमें आप जब वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ऑर्गेनिक खाद बनाने और उसको रोज रोज उसको छिड़कने वगैरह इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, और लेबर की सभी जानते हैं कितनी भयंकर समस्या है। तो ये कई तरह की समस्याएं हैं। और दूसरी समस्या है ऑर्गेनिक खेती पशुपालन के बिना संभव नहीं है, और पशुपालन आजकल इतना वाइबल नहीं रह गया है कि वो दूध के रेट और उसके भी उसमें भी उनको संभालना, और चारा पानी आप जानते हैं, अपन हम जो खेती करते हैं, आज 1 बीघा चारा बोते हैं तो वो लगभग 50 से 60 हजार रुपए का पड़ता है, और एक पशु के लिए 1 बीघा चाहिए ही चाहिए। तो उसका वो जो ना आर्थिक पक्ष उतना रहा नहीं है, अगर अपने पूरा हिसाब किताब लगाएं बिजनेस माइंड से, तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान नहीं है। इच्छा हर एक किसान की है, कोई भी रासायनिक खेती करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है उनकी। तो हम पहले हरित क्रांति से पहले ऑर्गेनिक खेती ही करते थे हमारे पूर्वज, तो सरकार ने ही हमको लगाया है, लगाया है। तो अब हर एक किसान, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कईयों ने लोन ले रखा है HDFC वगैरह बैंक से 1 लाख रुपए का, तो वो तो जमीन खुद की, उनकी जमीन ही नहीं रहेगी, ठेके पे भर रहे हैं वो तो, उतना उनको ब्याज भी भरना है। अगर वो जो ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उनकी जो इनकम में कमी आएगी, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, जबकि अभी भी सबसे ज्यादा लफड़ा इसी बात का रहता है किसानों का, लाभ नहीं है, लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए वो कर्जे में डूब रहे हैं, रोज आए दिन आंदोलन होते हैं। ये समस्याएं हैं कई, और मार्केटिंग के लिए सरकार को मैं तो सुझाव देता हूं, अभी भी मैंने दिया है कि एक कंपनी बनानी चाहिए, है भी जैसे राजफेड वगैरह, हर एक मंडी से हर एक फसल पूरा साल खरीदती रहे, ताकि मारामारी नहीं हो, एक सिस्टम से चलता रहे, थोड़ा थोड़ा जितनी भी खरीदनी है, भले उसमें कैपेबिलिटी लगी हुई है सीमाएं, तो वो पूरा साल खरीद रहती रहे ना स्मूथ, तो वो समस्या नहीं आएगी ना खरीदार को, और ना बेचने वाले किसानों को, और ना मंडी में, मंडियों में लैब नहीं है अपने, अभी तो ऑर्डिनरी फसल के चेक करने के लिए लैब नहीं है, तो ऑर्गेनिक के लिए कहाँ से है। हर एक मंडी में लैब होनी चाहिए, ताकि पता चल सके जो सही ऑर्गेनिक पैदा कर रहा है। अभी ऑर्गेनिक के नाम पे वो दूसरा मिक्स मुक्स सब बिक रहा है, बड़े शहरों में बिक भी रहा है, तो उसकी कोई गारंटी अश्योरिटी नहीं है। तो ये ऐसा कई समस्याएं हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो। एक चीज और है अरविंदर भाई साहब, इसके अंदर एक चीज और है कि आपका वो बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, ऑर्गेनिक के नाम पर भी जहर बिक रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हाँ जी, मैं देखा है जिनको मैं जानता हूं, वो भी कहने को वो ये कहते हैं कि मेरी सब्जी ऑर्गेनिक है, लेकिन वो सब्जी ऑर्गेनिक नहीं होती क्योंकि लैब टेस्टिंग नहीं है।
आप चेक कैसे करोगे? आप चेक कर ही नहीं सकते। मान लो हाँ एक आप ऑर्गेनिक के नाम पर उसी खेत से सब्जी बेच रहे हो, दूसरी मैं रेड़ी लगा के सब्जी मंडी में बेच रहा हूं, तो आप चेक ही नहीं कर सकते। आपके पास टेस्टिंग नहीं है, पहली बात तो ये है। तो इसीलिए जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसका ट्रस्ट नहीं बनता ऑर्गेनिक के ऊपर। मेरे घर पे नींबू के पौधे लगे हुए हैं, 8 रुपए किलो नींबू बेच के आया हूँ ऑर्गेनिक, बताओ। और घर पे सब्जी हो गई थी काफी, खेत में भी लगाई थी थोड़ी, तो मैंने मंडी में पूछा, मैं क्या ऑर्गेनिक है तो कोई फायदा होगा? क्या ना जी, इतने तक चमक होनी चाहिए, भले आप जहर मैंने ला के ले आओ सब्जी मंडी में, तो हाँ बताओ बिल्कुल ऑर्गेनिक कहाँ वाला बिल्कुल, कहाँ। यही कहानी है ना। आप अगर आपके पर्सनल पर्सनल या तो सरकार ऐसे करे। रिलेशन पे आप जी बेच सकते, पर्सनल अपने जानकार लोग हैं जो जो समझते हैं ऐसी बातों को, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं रह जाता फिर, वो इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। आप कितना पैदा करो, कितना बेचो, और कौन बेच के आए उसको, जबकि अपने एक एक आजकल न्यूक्लियर फैमिली है तो एक एक आदमी है वो खेत संभाले, अपने बाहर रिश्तेदारियां या आना जाना वो देखे, या ये ऑर्गेनिक करे या ऑर्गेनिक को बेचे, क्या काम करे वो? तो बात घूम फिर के फिर आ जाती है इसमें। ऑर्गेनिक एक श्रम प्रधान काम है, इसमें लेबर की और मैन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो आजकल प्रैक्टिकल नहीं रह गया। और दूसरा, आर्थिक रूप से हमें हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया, महंगाई बढ़ गई है। अभी आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, महंगाई के नाम पे भी वो अखबार में परसों आई थी, मैं डालने की सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला। खाद्य महंगाई सबसे कम बढ़ी है कृषि उत्पादों की, लेकिन प्रचारित ऐसे किया जाता है जैसे महंगाई उनके कारण ही हो रही है सारी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल भी लोगों को सोचना चाहिए कि महंगाई, अगर आप, हम देखो, हम खाने, सबसे हमारा पहला लक्ष्य होता है अच्छा खाना, अच्छी सेहत, और ये दुर्भाग्य है कम से कम अपने देश का कि हम इन दोनों चीजों पे सबसे कम खर्चा करते हैं। अच्छे खाने पे भी सबसे कम खर्चा होगा, कंजूसी होगी तो वही होगी, और स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे इलाज के लिए भी हम सबसे कम खर्च कर पाते हैं। हाँ, हम अपने मोबाइलों पे और कहीं भी दिखावे पे, अच्छे कपड़ों पे, ब्रांडेड जूतों पे, घूमने फिरने वगैरह पे कहीं भी खर्च कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंजूसी करेंगे अच्छे खाने और अच्छे इलाज पे। तो ये अपने माइंड सेट ही ऐसा हो गया, लोगों को भी, समाज को भी बदलना चाहिए। अकेले किसानों को दोष देने का नहीं है कि वो जहर उगा रहे हैं, जहर हम उगा ही रहे हैं, हमें मजबूर किया गया है। हम पहले जहर नहीं उगाते थे, हमारे पूर्वज 1960 से पहले। तो अभी अगर कोई कहता है कि सरकार की जरूरत क्यों है, तो सरकार की जरूरत, आपका जो मॉडल आप लाना चाहते हो औद्योगिक वाला, तो उसमें आप उद्योगों को आए साल देते हो ना, उनको क्यों जरूरत पड़ती है? अगर वो इतने ही सक्षम है, वो खुद सरकार की सहायता के बिना नहीं चल रहे, अपने रिफाइनरी लग रही है, 2300 करोड़ रुपया उसको सालाना दिया जा रहा है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पे, तो हमारे भी वायबिलिटी गैप फंडिंग है ये। एक तो इन्होंने नाम के चक्कर में इतना बदल रखा है, और लोग समझते नहीं, अपने पढ़े लिखे किसानों के पुत्र भी, मेरा सबसे ज्यादा उनसे रोष इसी बात पे रहता है कि वो ये भाषा नहीं समझते, और वो फालतू बस ऐसे ही गाली गलौज सतही देखते हैं। अगर सरकार हमसे या समाज हमसे वो ऑर्गेनिक खेती करवाना चाहता है, तो जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है उसकी, मान लो हमें 35,000 रुपए अभी मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक से हमें 20 मिलते हैं, तो 15,000 की वो क्षतिपूर्ति कौन करेगा? हम क्यों भुगतें? और हम कहां से लाएं वो 15,000 जो गैप आ गया बीच में उसके, बिगेगा, हमें वो भी चाहिए। और फिर दूसरी बात है, बिल्कुल जो क्लाइमेट का असर हो रहा है, ये इसका भी खेती पे सबसे ज्यादा, और हमारे किसान जो खेती सेक्टर है वो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, ये ऑथेंटिक तथ्य है, आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में प्रमाणित हो चुका है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज्यादा खेती को भुगतना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं आए दिन बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि वगैरह, गर्मी सर्दी, तो इससे फसलों को नुकसान होता है, तो हमें तो उसका भी कंपनसेशन मिलना चाहिए ना, ताकि हम सर्वाइव कर पाए। तो ये तो है, किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की सरकार के, और वो देना भी चाहिए, क्योंकि उसकी इनकम सुरक्षित नहीं है, उसको कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए ना, फिर ही वो करेगा कुछ, नहीं तो क्या करे। ये हमारे केवीके में ट्रेनिंग भी चल रही थी और वहां भी एक मैंने ये चीज और बात है इसके रखी अंदर थी। है हाँ जी, जी, एक चीज और है इसके अंदर है कि जो बताइए। सब्सिडियां, जो फायदे सरकार, ये जो रासायनिक खादें स्प्रे बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ये भी सारी सरकार के सारी चलती हैं। आपको भी पता है, मेरे को पता, जग जाहिर बातें हैं। ये जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, अगर उनसे अभी भी ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने में सरकार लगा दे, किसानों को सब्सिडी दे दे, तो मेरे को लगता है कि काफी ये मसला जो है हल हो सकता है, मेरे ख्याल से।
अभी एक साथी है रामचंद्र जी बाम्बू, जिन्होंने कमेंट किया कि मैंने भी सब्जी एक साल उगाई थी, ऑर्गेनिक उगाई थी, लेकिन बाजार के अंदर जो है वो सिर्फ चमक के पैसे मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सरकारें इस चीज को प्रमोट ही नहीं करना चाहती। अगर सरकारें प्रमोट करें तो फिर ज्यादा बढ़िया है, फिर मतलब कि एक अच्छा माहौल बन सकता है। जो कॉरपोरेट को सरकार सपोर्ट कर रही है, ये खाद बनाने वाली कंपनियों को करोड़ों के कर्जे जो है राइट ऑफ हो जाते हैं, अगर उससे 40 गुना या 50 गुना भी सरकार इस मार्केटिंग की ओर लगाए, किसान का काफी फायदा हो सकता है और देश को भी ऑर्गेनिक खाने को मिल सकता है। किसान मजबूर है, किसान कर्जाई भी है, इस बात में कोई शक नहीं है, किसान कर्जाई है जैसे आपने कहा। अब उसको ब्याज भी भरना है, उसको अपने बच्चों की शादी भी करनी है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। अगर हम ये सोचने लग जाए कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करने लगे, मान लिया हमने ऑर्गेनिक खेती कर ली, लेकिन हमारा मुनाफा आधा हो जाएगा। मुनाफा आधा होने के कारण हमारी जिंदगी जो है उसकी जो है सारी सिस्टम ही सारा खराब हो जाएगा। ये कहानी असल में। हाँ, वो एक बात और है, इसमें सरकार को लगाना कुछ नहीं है। आपको बता दूं कि ये जो हमारा कृषि उपज मंडियों का पैसा है ना, हमारे पैसे में से सरकार निकाल रही है। ये कृषि कल्याण सेस लगाया अभी, आपको पता है। तो इससे पहले क्या था कि वो फसल बीमा प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकार हिस्सा देती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो पहले तो ये कृषि कल्याण सेस से पहले राज्य सरकार के खजाने से जा रहा था वो। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि वो कृषि कल्याण सेस लगा के उसमें से दे रहे हैं। अगर अच्छा होता कि अगर ये कृषि कल्याण सेस वाले पैसे से ही हरेक मंडी में लैब लगाई जाती, उसकी ग्रेडिंग की व्यवस्था होती प्रॉपर, तो लेकिन ये तो हमसे और लूट रहे हैं, निचोड़ रहे हैं हमको। तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, ये बातें कहने की और हैं। समाज में लोग जो सतही जानकारी रखते हैं ना, वो पूरे आंकड़ों में या गहराई में नहीं जाते, तो उनको ये पता नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। वो सीधा ऐसे ही कह देते हैं, किसान जहर बुआ रहा है। तो हम तो पहले ही मांग रहे हैं कि हमें तो लागत से कम कीमत मिल रही है। आज मूंगा सरकार मानती है कि अधूरी जानकारी जो होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। और ये जो कुछ लोग हैं ना, एक एक तबका ऐसा बन गया है जिनका काम ही किसान का विरोध करना है। उनका काम ये है कि जो भी किसान ने किया अपने को उसका विरोध करना है, बात खत्म। वो लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं, वो लोग हर रोज ये कहते हैं किसान जहर उगा रहे हैं, किसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन किसान की जिंदगी के साथ क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई, वही बात, आपके वाले आंकड़े है नहीं किसी के पास। जब तक आपके पास सही एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होंगे, आपके पास लॉस प्रॉफिट का हिसाब नहीं होगा, तो फिर नुकसान है। और कोई भी कानून है या कोई भी सिस्टम है, उसका जो है फर्क जो पड़ता है वो हमेशा कोई भी इंप्लीमेंट होता है उसका पूरे का पूरा जो फर्क है वो टेल के ऊपर पड़ता है। और ऑर्गेनिक खेती में सबसे टेल के ऊपर किसान खड़ा है, और नुकसान भी किसान को ही होगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस मॉडल के अंदर सुधार हो सकता है। जिनके अंदर ज्यादा ही कीड़ा है, मान लो ऑर्गेनिक करने का, जिनको कईयों को जुनून भी होता है कि अपने को ऑर्गेनिक करके देखनी है एक बार, जैसे अपनी फोन पे भी बात हुई थी, तो हो सकता है उन लोगों की कुछ मदद हो जाए। जी लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर अपने ये कह दें कि 2 साल के अंदर या आने वाले 5 साल के अंदर सारा कुछ ऑर्गेनिक कर देंगे, जैसा कि मैं एक सरकार के मंत्री की स्टेटमेंट भी सुन रहा था एक एक दिन पीछे, थोड़े दिन की बात है, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हमको जहर मुक्त करनी है खेती। अरे तो जहर मुक्त तो करोगे, पहले किसान को समर्थ तो बनाओ उसके लिए। पहले किसान का इतना, किसानों के ऊपर इतना कर्जा है, दूसरा किसानों की व्यवस्था अभी तक एमएसपी की व्यवस्था पूरी हो नहीं पाई, आधे से भी ज्यादा फसलें आज भी एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। तो जहर वाली खेती जो है उसको भी आप एमएसपी के ऊपर नहीं खरीद सकते, तो जो ऑर्गेनिक खेती है उसको, उसका मुनाफा आप कहां से पूरा कर दोगे? ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है सरकार के पास, सिस्टम ही नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं, आपके कोई समझ में आता तो बिल्कुल, बताओ आप। वो प्लान ही तो मैं कह रहा हूं कि एक कंपनी हो सरकार की, जैसे अभी राजफेड वगैरह है ही, कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। वो फसलों की, ऑर्गेनिक की भी और दूसरों की भी, साल भर हरेक मंडी से हरेक फसल खरीद करे। हरेक मंडी में लैब हो जहां से उसकी टेस्टिंग हो सके, तो अपने को ये सिरदर्दी ना रहे। अब बात आती है, प्लान तो है लेकिन सरकार मानना नहीं चाहती। हमने ये सुझाव भी दिए हैं और आप जानते हैं हम अभी ना राजस्थान से जुड़े हैं, हमने उसमें स्टडी की है। तो अब बात आती है कि अगर सरकार इतना खरीद के, कई जो छद्म बुद्धिजीवी है ना, कुबुद्धिजीवी होते हैं अपने समाज में पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि सरकार खरीद के करेगी क्या। तो उसका समाधान ये हो सकता है कि हरेक गांव में, जैसे अभी ना सरकार की एक जन औषधि योजना नाम से मेडिकल स्टोर की योजना चल रही है, आप जानते होंगे, उसमें मेडिकल स्टोर पे मिलता है सामान, वो जेनरिक दवाइयां वगैरह, सस्ती दवाइयां सरकार सप्लाई करती है। तो उसी तरह पे हरेक गांव में एक स्टोर खोला जाए निजी, उसको सरकार को खोलने की कोई जरूरत नहीं है,
कोई भी बंदा जो इच्छुक है गांव में दुकान करने का, स्टोर करने का, उसको लोन दिलवाओ बैंक से, सभी ऐसा ही चलता है, तो वो खोल लेगा और उसको सारा सामान सप्लाई करे सरकार। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही नहीं, जो छोटे कारीगर हैं अपने गांवों के या छोटे छोटे हाथ कारीगर हैं, उनका सामान भी हाँ सरकार खरीदा करे बिल्कुल बिल्कुल ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। अच्छा, जो टिकाऊ विकास इसी से होगा, और वो सारा सामान वहां पे गांवों में वो स्टोर पे बिके, और उसको भी वो अगर जो जो चीज सरकार सप्लाई नहीं कर पा रही है वो बाजार से खरीद के बेचेगा। हर एक गांव में एक दो लोगों को रोजगार मिलेगा, दो चार लोगों को, सप्लाई चेन में रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। असली विकास वो होता है, ये नहीं है जो कि हमने एक फ्लाई ओवर बना दिया, हमने ये कर दिया, वो ये विकास नहीं होता, ये तो विनाश ही हो रहा है। किसानों से जमीन छीन बिल्कुल के और बिल्कुल सही उसको है। उद्योगपतियों को अभी एक देने को साथी विकास नहीं ने कहते। हरकेश मीणा जी ने लिखा है कि एग्रीकल्चर एमएसपी लागू होने पर जैविक खेती संभव हो सकती है। आप कितना सहमत हो इस विचार से कि क्या एमएसपी लागू होने से जैविक खेती, ये जो आपने जो ऑर्गेनिक खेती है, क्या क्या कोई फर्क पड़ सकता है इसके ऊपर? नहीं, जो जुनूनी लोग हैं जो अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो उनको अगर थोड़ी सपोर्ट मिलेगी तो वो थोड़ा बढ़ा लेंगे, लेकिन 100% जैसा मैं नहीं मानता। ये एक अप्रत्याशित बात है, क्योंकि अभी एमएसपी दूसरी फसलों पे ही नहीं मिल रही है। आप देखो ना, गेहूं का क्या हाल है, मूंग का क्या हाल है। मैंने मेरे पास अभी लगभग 35 बीघे की मूंग की फसल थी, 125-150 क्विंटल, 5,000 बेची है मैंने, 5,200 रुपए, 7,200 रुपए एमएसपी है। तो वो मेरा 150 क्विंटल का 3 लाख रुपए का घाटा कौन पूरा करेगा अभी। अगर वो मेरी एमएसपी पे बिकी होती, मेरे पास 3 लाख रुपए अतिरिक्त आमदन आई होती, तो हो सकता है मैं कोई 2 बीघे में ऑर्गेनिक करने की सोच लेता। तो प्रैक्टिकल समस्या यहां आती है, और इसको सरकार ही समाधान कर एक सकती है, चीज और है इसके कोई अंदर, बाकी फौरी छोटे मोटे इलाज है। एक चीज और है हाँ रविंद्र भाई जी, तो और साहब, सरकार जैसे के पास संसाधन एक बहुत साथी होते हैं। सोलर के बारे में चर्चा कर रहा था कि सोलर सोलर का जो सिस्टम है, जो सोलर प्रोजेक्ट है, अभी सरकार ने पहले उसके ऊपर 90% सब्सिडी दी थी। आपको भी पता होगा, राजस्थान की बात करो तो फिर उसको घटा के 80 किया गया। अब मेरे ख्याल से 60 से भी कम हाँ सब्सिडी जी, है, अब तो मिल ही नहीं रहे, जो सोलर कनेक्शन नहीं हो पा रहे। एक तरफ तो सरकार ये रोना रो रही है कि जो है हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है, और राजस्थान की सरकार ने तो हद ही पार कर दी जो है रेट के भी, बिजली के बिलों के भी, तो आप जग जाहिर बातें हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है हमारे पास बिजली नहीं है, दूसरी तरफ जैसे ये कोयले का संकट आया था, पीछे संकट नहीं आया था वो मेरे को पता है, आपको भी पता है, मतलब कि आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, कुछ लोगों को ये लगता था कि संकट आया है, लेकिन वो संकट नहीं था कोयले का, वो संकट दिखाया गया था। जिस जैसे ही वो संकट आता है, लोगों को ये बिल्कुल लगा कि कहीं ब्लैकआउट ना हो जाए, कहीं ये ना हो कि जो बिजली हमें मिले ही नहीं आने वाले 1-2 महीनों में। लोगों ने जो है ये जो सौर ऊर्जा की प्लेटें हैं, जो इससे रिलेटेड जो भी सामान है, वो सारा खरीदना चालू कर दिया फटाफट से। जैसे ही उसकी खरीद बढ़ती है, उसके साथ अगले ही दिन उसके ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया। यानी कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आप सौर ऊर्जा की तरफ जाओ, दूसरी तरफ सरकार जो उसके प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो है टैक्स बढ़ा देती है। तो ये बिजली का भी एक तोड़ है, अगर सरकार चाहे तो क्यों नहीं सोलर को बढ़ावा दे के किसानों को फैसिलिटी दी जाए, जैसे पहले 90% सब्सिडी थी, तो क्यों नहीं ये काफी बिजली बच सकती है। लेकिन सरकार, फिर बात वही है कि सरकार चाहती नहीं कि इसका मसले का हल हो। ये कोयले संकट से जुड़ी एक बात मैं आपको और बता दूं। उसके बाद अभी अडानी माइंस है ना, जो अडानी की कोयले से जुड़ी कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी थोड़े दिन पहले कई बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ, कोयला सप्लाई का, जो पहले कोल इंडिया के पास था। तो इसके पीछे एक कहानी ये भी है, क्योंकि उन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोयले की ये भी खाने है ली हुई बिल्कुल है, इंपोर्टेड कोयला आ रहा है, तो उसकी सप्लाई उसको तो भी दिया गया है। और बाकी रही बात सोलर वाली, सोलर अच्छी चीज है, लेकिन सरकार उसको, वो बात तो वही आ जाती है, हर जगह सरकार चाहती है कि लूटना, सरकार का काम नहीं होता है। सरकार हमने वहां के कोई कमाई करने के लिए नहीं बैठाते कि वो आम जनता को लूट के कमाई करती रहे। वो तो एक अपना, जैसे होता है ना अपने गांव में कोई सांझी कमेटी बना ली कि जो जी साझा काम है वो करवाएगी। ये ध्रुवराज गुदारा जी हाँ ये कह रहे हैं कि 90% थी, तब गोदारा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 90% वाला सोलर ही लगवाया था, लेकिन वो हमारे एरिया में वो कामयाब नहीं हुआ। सोलर भी वही कामयाब है जहां पे जमीन का पानी मीठा है। बाकी ठीक है, अच्छी चीज है, मैं इसकी बुराई नहीं करता, लगाना चाहिए जहां जिसके पास पानी की सुविधा है, या जो ड्रिप वगैरह पे इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको लगाना भी चाहिए। तो नहीं, घर के लिए भी अपने क्या बात कर यूजफुल रहे हैं। है, घर के लिए हाँ भी लगा सकते हो आप, अगर सरकार चाहे तो घर ये के ऊपर कोयले भी में भी सब्सिडी वो दे सकती है। उसकी कहानी थी एक। अब मैंने घर पे लगा रखा, घर पे लगाया 90%।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात मैन यही है अरविंदर भाई साहब कि अगर सरकार चाहे तो मसला हल हो सकता है। आवाज आनी किसानों को बंद तो हो आप गई आपकी। ब्लेम कर सकते हो। एक आप अब नहीं, मेरी आवाज आ रही है मेरे ख्याल सभी साथियों को। मेरे ख्याल से तो आवाज आ रही है, शायद आपके पास नहीं आ रही होगी। मेरा कहने का हेलो, मतलब यह है कि अगर सरकार चाहे तो इस मसले का हल कर सकती है। ऐसी बात नहीं कि सरकार जो इस मसले का हल नहीं कर सकती। अब ब्लेम करने को चाहे किसान को लाख कोई करे कि आप जहर उगाते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, क्योंकि मैंने पहले बोला कि एक मंडली है जिसका काम ही किसानों को बदनाम करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर सरकारें चाहें तो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी कोई मसला हल हो सकता है, और जो सौर ऊर्जा है उसके ऊपर भी अगर अच्छी सब्सिडी किसानों को मिले तो जो है इसका भी मसला हल हो सकता है। मेरे ख्याल से हरविंदर भाई साहब को आवाज नहीं आ रही, तो अपने को अभी इस लाइव को यही बंद करना चाहिए। फिर कोई नया मुद्दा लेके मिलेंगे। एफपीओ के ऊपर शाम को चर्चा करने की स्कीम है आज मेरी। हेलो आज कोशिश हेलो, करेंगे कि एफपीओ के ऊपर जो है शाम को आज चर्चा करेंगे राजाराम जी लेगा जी के साथ और रविंद्र भाई साहब के साथ। कोशिश करेंगे आज शाम को, अगर नेट ने साथ दिया, क्योंकि गांव में बैठे हैं, यहाँ सरकारों की तरह नेट भी बहुत कम आता है गाँव के अंदर। हेलो तो अभी अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपने समय दिया अपना, धन्यवाद रविंद्र भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो।